नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में, बालों के रोगों के बारे में। बहुत से पेशेंट आते हैं जिनको बालों की समस्या होती है, बाल झड़ रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, गंजापन आ रहा है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं। इन सब का कारण आजकल का गलत खानपान है। सब लोग बाहर का खाते हैं, गोलगप्पे, कचौरी, मैदे वाली चीज़ें, समोसा, टिक्की, फास्ट फूड वगैरह और खटाई, ये गलत चीज़ें खाने पीने से पेट में गड़बड़ी होती है। और सही वातावरण, सही खान पान, सही हवा पानी ना मिलने की वजह से हमारे शरीर में ये दिक्कतें पैदा होती हैं, जिसका परिणाम हमारे बाल भी भुगतते हैं। तो दोस्तों इन समस्याओं के निवारण के लिए, समाधान के लिए मैं बैठा हूँ। तो दोस्तों इनको ठीक करने के लिए एक घरेलू नुस्खा आप सब के कहने पर मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप घर पे बनाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रीठा, शिकाकाई, आंवला वगैरह की आजकल बहुत सारी कंपनियाँ शैम्पू बना रही हैं, उसका इस्तेमाल करें और पौष्टिक आहार लें, बाहर का खाना बंद करें, एसिडिटी वाली चीज़ें, खट्टी चीज़ें, तली चीज़ें बंद करें, अपने पेट को बिल्कुल सही करें। कब्ज की शिकायत है तो पेट साफ जरूर करें, उसके लिए आप त्रिफला चूर्ण, पंचस्कार चूर्ण और रेड तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आता हूँ नुस्खे की तरफ। इसमें आपने आमल की रसायन लेना है 100 ग्राम, आपने भृंगराज चूर्ण लेना है 100 ग्राम, आपने इसमें त्रिफला चूर्ण लेना है 100 ग्राम, इसमें स्वर्ण माक्षिक भस्म लेनी है 20 ग्राम, इसमें आपने शंख भस्म लेनी है 20 ग्राम और इसमें आपने लौह भस्म लेनी है 20 ग्राम। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लो, इसके बराबर आप मिश्री मिलाकर रख लें, एयर टाइट डिब्बे में रखें, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, पानी के साथ या भृंगराज आसन के साथ आप लें। इससे आपके बालों की समस्या ठीक होगी, रक्त की कमी के कारण अगर आपके बाल झड़ रहे हैं वो ठीक होंगे, में विटामिन सी की दिक्कत है वो भी सही हो जाएगी, आपके बालों में जो सफ़ेदीपन आ गया है वो ख़त्म होगा, बाल काले होने स्टार्ट हो जाएंगे। और बालों में लगाने के लिए आप रोगन आंवला खास, रोगन जटामासी, रोगन भृंगराज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं मिलता तो आप भृंगराज तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, महाभृंगराज तेल इससे बेस्ट होता है, आप महाभृंगराज तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था बालों की समस्या के लिए नुस्खा, इसको आप अपनी डायरी पे नोट करें। अगर आपके आसपास किसी को ये समस्या है उनको ये वीडियो शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू।